इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता रविवार को बहादुरगढ़ पहुंचे। उन्होंने इनेलो प्रदेशाध्यक्ष रहे नफी सिंह राठी के परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। बोले, खट्टर सरकार के राज में हरियाणा अपराधियों का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा, नफी सिंह राठी मेरे मित्र थे, उनसे 30 साल पुराना पारिवारिक संबंध था। बहादुरगढ़ की जनता ने एक मजबूत व्यक्तित्व खोया है। खट्टर सरकार अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न हो। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गोली का राज हो चुका है। हर जगह पहले फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारियों पर गोली चलाई जाती थी, अब राजनीतिक हत्याएं भी भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हो रही। नफे सिंह राठी जी मेरे अच्छे मित्र थे, मेरा कम से कम 30 साल पुराना इनसे संबंध था। इस परिवार से एक मजबूत व्यक्तित्व नफे सिंह के रूप के अंदर इस क्षेत्र की जनता ने खोया। मैं अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाए, सरकार से गुजारिश करता हूं और कड़े से कड़ा दंड फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनको दिया जाए, ताकि भविष्य के अंदर हरियाणा में ऐसी घटनाएं ना हो। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि लगातार हरियाणा के अंदर बहुत हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जगह जगह मर्डर किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है? कमजोर मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी, केवल जाति और धर्म के नाम पे डिवाइड करके लोगों को वोट लेना चाहती है, परंतु हरियाणा की स्थिति को बिल्कुल खराब कर दिया है। हरियाणा के अंदर नशा फैलता जा रहा है, हरियाणा में अपराध फैलता जा रहा है, हरियाणा में सरेआम लूटपाट हो रही है, हरियाणा के अंदर हत्याएं हो रही हैं और अब हरियाणा में राजनीतिक हत्याएं भी शुरू हो गई हैं। ये कमजोर मुख्यमंत्री की निशानी है, ये कमजोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निशानी। स्थिति सामान्य हो, उस बारे में आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? मेरा सरकार से फिर निवेदन है कि बहादुरगढ़ में जहाँ पे ये आज हत्या सामने आई, कुछ दिन पहले यहाँ पे व्यापारियों पे गोलियां चली, लूट हुई थी, व्यापारियों ने जाम भी लगाया था, एसपी एसएसपी ने आश्वासन भी दिया था कि हम कानून व्यवस्था को कड़ी करेंगे, निगरानी कड़ी करेंगे। जब हत्या हुई, जिस दिन नफे सिंह की हत्या हुई, प्रदेश का मुख्यमंत्री इसी जिले में मौजूद था, उसके बाद भी ये हत्याएं हो रही है, ये निंदनीय है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।